वेलकम एवरीवन टू फूड एंड ट्रैवल। तो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं चिकन पुलाव। बहुत आसान रेसिपी है, कुकर में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घी जो है वो हो रहा है गर्म। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देता हूँ, ये राइस है, एक घंटा मैंने इसको सूख करके रखा था 400 ग्राम्स तीन लोगों के लिए। ये जिंजर गार्लिक, ये मिर्ची, चिकन है 750 ग्राम्स इन 400 ml ऑफ दही, कर्ड इसमें से 400 ml डाला हुआ है। ये खड़े मसाले हैं, तेजपत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, बड़ा इलायची, लौंग, चक्री फूल और दालचीनी। यहाँ पे हैंडफुल जो है ये अपना पुदीना, हैंडफुल आपका धनिया पत्ता, हाफ कटा हुआ नींबू, दो मीडियम प्याज। ठीक है, अब हम ये जो सामान है बारी बारी से इसमें डालेंगे जैसे ये घी गर्म हो जाता है। ओके, सो घी जो है हमारा गर्म हो गया है, तो ये जो मसाले हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए, खड़े मसाले। ठीक है, और ये हरी मिर्ची, गार्लिक और जिंजर जो है। अब जो है ये जो प्याज है, प्याज हम डाल देंगे, और अब हम इसको 5 मिनट पका, 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसमें चिकन डाल के 5 मिनट चिकन को पका देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। ओके, सो 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारा प्याज है वो कैरामलाइज हो गया है। ठीक है, ज़्यादा कुक नहीं करना इसको। अब हम इसमें जो है चिकन जो है, ये पूरा चिकन हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये अपना चिकन चला गया और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे ऐसे। 750 ग्राम चिकन है, 400 ml दही में। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जो है ये मसाले भी डाल देंगे। ये देगी मिर्च है, तीखा नहीं है, 1.5 स्पून, 1 स्पून आपका हल्दी और 1 स्पून धनिया पाउडर। नमक जब हम राइस लगा देंगे उसके बाद हम नमक डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको धीमी आंच पे 5 मिनट कुक होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे। तो गाइस 5 से 7 मिनट, एक्चुअली 7 मिनट हो गया। ठीक है, और ये अच्छा खासा इसने पानी छोड़ दिया। अब ये जो राइस है मैं इसमें बोल से निकाल के इसमें डाल दूँगा। राइस चला गया। अब हम राइस को जो है थोड़ा सा ओपन करके ही 5 मिनट पकाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम इसमें सीटी लगाएंगे, तो 5 मिनट बाद हम मिलते हैं। ओके, सो गाइस 5 मिनट हो गया है। अब ये जो पानी है हम ये पानी डालेंगे इसमें, पानी डाल दिया हमने। अब इसमें जो है ये शाही बिरयानी मसाला डालेंगे अपने अंदाजे से ही डाल रहा हूँ, ऐसे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। सो ये हमने डाल दिया। अब जो है इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये एक गया, और मैंने मैरिनेशन में भी नमक नहीं डाला था, तो आप लोग भी ध्यान रखो नमक स्टार्टिंग में नहीं डालना, नहीं तो जो चिकन है वो हार्ड हो जाता है कुक के टाइम। एंड में कभी भी डालिए नमक, काफ़ी है गया। और अब जो है इसमें ये धनिया पत्ता मैं डाल दूँगा, ये देखिए, और ये पुदीना, उसको अच्छे से मिला। और अब जो है हम इसमें कुकर की सीटी लगा देंगे गाइस, और मिलते हैं हम 10 मिनट बाद, लगभग 3 सीटी। ओके, और 10 मिनट बाद हमारा जो बैचलर स्पेशल चिकन पुलाव है वो बन के रेडी हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत जल्दी रेसिपी। ठीक है, वेलकम बैक। 10 मिनट हो गए हमारे,
10 से 12 मिनट हो गए, 3 सीटी लग गई और ये हमारा जो है पुलाव, कुकर पुलाव जो है रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। सो क्विकली हम इसका रेटिंग कर लेते हैं। जो अरोमा है बहुत सही आ रहा है, राइस बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत टेंडर हो गया जो चिकन है। सो देखिए कितना सही बना है ये, वेरी टेंडर। वीकेंड पे बनाइए स्पेशली फॉर बैचलर्स, ओके, एंड एंजॉय करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।